सो ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू एंड इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका मतलब फर्स्ट टाइम है, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो उनके लिए आपकी जो प्रिस्क्राइब बुक्स है उसकी हम लोग डिसीजन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स के लिए आज प्रिस्क्राइब, जहाँ से आपका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो हम लोग की सिंपल सी एनसीईआरटी है। सेकंड एडवांस हम लोग की बहुत ही फेमस बुक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एचसी वर्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं अगर आपको जेईई एडवांस की आप तैयारी कर रहे हो फिजिक्स के लिए। जो एग्जांपल्स हैं आपके, जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से मतलब सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुक है हम लोग की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर। सो ये भी मतलब फॉरेन के राइटर है, उनकी बुक है। सो ये भी बहुत ही अच्छी बुक रहने वाली है। नेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स हम लोग की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आईई आयरोडोव, यही मतलब फॉरेन के राइटर है, इनकी बहुत ही अच्छी बुक रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, जो कि हम लोग की आईआईटी फिजिक्स बाय डीसी पांडे। डीसी पांडे की, जैसे हम लोग को पता है, इनकी पूरी 5 बुक्स आती है जेडब्ल्यू एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जेडब्ल्यू एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग की प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय एसएस क्रोटोव, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स पे। सो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथ्स की 11th एंड 12th आरडी शर्मा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी मतलब मेन चीजें जो 11th 12th की वो कवर होंगी। ओके, नेक्स्ट रेफरेंस ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेन एडवांस एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम बाय आरडी शर्मा, मतलब ये एक टाइप की रेफरेंस बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ये भी बाय आरडी शर्मा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग की ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री के लिए, प्लेन ज्योमेट्री एंड पार्ट 1 बाय एसएल लोनी, ये मतलब पार्ट 1 है। एंड नेक्स्ट है हम लोग की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एसएल लोनी, ये पार्ट 2 है। ओके, जिसमें दोनों बाय एसएल लोनी, ये बहुत ही फेमस है ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, इनकी बुक आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट रेफरेंस हम लोग का अलजेब्रा के लिए, हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट, सो ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, सो इनकी बुक आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट रेफरेंस हम लोग की कैलकुलस के लिए, सो प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल बाय आईए मायरोन, सो ये कैलकुलस की बुक है। ये सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट रेफरेंस हम लोग की डिफरेंशियल कैलकुलस बाय ए दास गुप्ता, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है। एंड नेक्स्ट हम लोग की कोर्स इन मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई बाय टाटा मैक्रो हिल पब्लिकेशंस, ये मतलब प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस के लिए इसे ले सकते हो, जैसे मैं सॉल्यूशंस वगैरह मेंशन होंगे जितने भी एमसीक्यूज पास्ट ईयर में आ चुके हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग मूव करते हैं अपनी केमिस्ट्री के साइड। केमिस्ट्री फ्रेंड्स हम लोग का भाई, अगर बेसिक लेवल बात करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स दोनों 11 और 12 की। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पे आप चार राइटर हैं, चार राइटर की बुक्स हैं, जो कि फ्रेंड्स हम लोग का फर्स्ट है ओपी टंडन, पीटर स्काइज, एमएस चौहान एंड मोराइजन एंड वॉयर्ड। ओके, सो ये मतलब फॉरेन के राइटर हैं, सारे के सारे फॉरेन के ही राइटर हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चार बुक के वेरिएंट्स हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक्स हो सकती हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट एडवांस हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बाय ओपी टंडन, ये अगेन सेम राइटर हैं, इनकी फिजिकल केमिस्ट्री की भी मतलब बुक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट एडवांस हम लोग का कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली, सो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांस हम लोग का मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशंस बाय आरसी मुखर्जी, ये मतलब प्रैक्टिस के लिए है, जितने मतलब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस आप उसके लिए ये बुक चेकआउट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन बुक्स थी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। एंड फ्रेंड्स अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनमें से कुछ किताबें आप लोगों के पास होंगी, जैसे कि डीसी पांडे की, एचसी वर्मा की, ओके मैथमेटिक्स या एसएल लोनी की। मैं ये नहीं कहूँगी मतलब सारी ले लो, मतलब कुछ कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, बट बाकी आपको जो ही मतलब वीक पार्ट लगता है, जहाँ पर आपको मतलब प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, आप उसकी टेक्स्ट बुक चेकआउट कर सकते हो। ओके, बाकी फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए और जो बुक्स आती हैं सॉल्यूशंस पास ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो अरिहंत की बेस्ट होती है। अरिहंत की अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए मतलब पास ईयर क्वेश्चंस की अगर आप बुक नहीं है, तो आप प्लीज अरिहंत की बाय कर सकते हो, क्योंकि यार पास ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे अलग प्रॉब्लम हम लोग को हर बार देखने को मिलती है, मतलब उसकी जो वैल्यूज होती है वो अलग होती है, बट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा सेम होता है। ओके, सो यार फ्रेंड्स अगर वीडियो सभी पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे और इन्फॉर्मेटिव अपलोड्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।